वाला चार दस जी गल गल संगते जैसी होती है जी। हाँ, हाँ। हम थोड़ी हिंदी भी बोल लेते हैं। हाँ। वाह मम्मी वाह प्योर पंजाबी। हाँ ठीक है ऑन दो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज मैं मिलाने जा रही हूँ आपको किसी मेहमान से, और आपसे नहीं मैं मेहमान ही ना हूँ। हाँ, तो मेहमान है आज मेरे मामी जी आए हैं पटियाला से। ये देखिए, ये है मेरे मामी जी। और मामी जी हाँ जी, ये आए हैं पटियाला से और ये मम्मी के लिए आए हैं। वो हमारे रीति रिवाज होते हैं वो, हाँ लोहड़ी का संधारा देने के लिए आए हैं, वो आपको दिखाते हैं। और मामी जी दसो की हाल चाल थोड़े? ठीक है बेटा, सारे ठीक ने। हाँ, मामा जी सारे ठीक ने? चलो वधिया। और टाइम लग गया आंदा? चलो वधिया। और काफी टाइम बाद आए ने मामी जी, साल बाद आए ने, सो वी आर हैप्पी। हो सुनाओ ये देखिए, बैग भर के आया है सामान, अब खुलेगा पिटारा। ये पंजाब के जो रिवाज होते हैं कि मम्मी जी आंदे जो दो कर मम्मी सूट आ गया। अरे वाह, लो मम्मी जी बा जी बा जी बा, मम्मी का तो लोहड़ी। ये जी रिवाज होते हैं, ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये रिवाज होते हैं जो मायके वाले देते हैं अपनी बेटियों को। और अब ये तक हमारी मामी जी हमारा बहुत करती हैं। हाँ साड़ी लवली लवली प्यारी प्यारी मामी है साड़ी। थैंक यू सो मच मामी, थैंक यू। हाँ बच्चे खुश हो गए। ठंडी करके जमाई वो चमचे दे नाल खा दो, ना उस मिठा पाना ना उस नमक पाना, फिक्की चौड़ों के पीछे। ओके, अगर लूज मोशन लगे हो तो चौड़ों के पीछे। हाँ, चावल का जो चावल हम बनाते हैं उसका जो पानी होता है ना, पानी होता है गाढ़ा गाढ़ा जा। ओके, मज्जा दी है मोख हटा दी, मज्जा नु तो बंदिया दी तो सौखी हटा, दो किलो चौल कर लो रिन लो, चार किलो पानी पा दो, गाढ़ा गाढ़ा जाया तसला भर गया रख दूता, मज ने दो दिन नी गोहा कर सैट होगी मज साडी, फिर बंदे नु तो सौखा, बंदे नु तो सौखा लीवर वधिया, ये हमारी फनी बातें हो रही है। हाँ नुस्खे जरूर, ये जो पुराने होते हैं ना बहुत ही फायदेमंद रहते हैं, आप अजमा के देखिए, अगर आपके रखे हुए हैं पशु वगैरह तो उनके लिए भी ये चीजें अच्छी रहती है, क्योंकि सर्दी का मौसम है सबको इफेक्ट करता है। और सुनाओ कुछ अज मामी जी अपने सारी जो इनकी वो टैलेंट है वो आज सारा निकालेंगे खड़ाएगी ना भेजो सन। हाँ जरूर, रेसिपी बताइए। पिन्निया मतलब है ना, चौला दी पिन्निया बनाउनियां ने, चौला नु थोड़ा थोड़ा ब्राउन कर लो, भुन लो थोड़ा जिहा घिओ पा के, ओके भुन लो, भुन के फिर उन्हां नु भी गर्म गर्म अपने किसी थाल वगैरा च जां छोटी परात उच पा लो, फिर उहदे च
गब्बे टोआ जा कर लो ओडे खंड बूरा पा लो उत्ते बूरा पा के ते फिर गर्म गर्म तत्ता तत्ता घ्यो पा दो उत्ते तत्ता तत्ता घ्यो पा के सारी नु मिक्स कर दो फटाफट इस तरह ते फिर खोपे का बरादा पा लो ट्राई करूंगी और आपके साथ शेयर जरूर करूंगी और आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा मामी जी का टैलेंट। चलिए फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अच्छा मामी जी मेनू एक गल दसो भी तुसी जिहड़ी लेडीज हो तुहाडी कल्ले दी गल कर रहा सारी जिन्नियां भी लेडीज ने जे दो जां तीन वालियां इकट्ठियां हुंदियां ने बैठा गे बाद फिर कोई नवी ताजी सुना दे बैठे रहने या तो मोबाइल चाहे ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਲੇ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਆ ਮੰਮੀ ਤੇ ਆਹ ਬਣੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਈ ਹੁਣ ਮੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚ ਇਹੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤਾ अज मैं देखा ए पाया पा सी दस मेनु सी गल भी नहीं बुलाई ओने अच्छा मामी जी ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है वीडियो में अपने जो उनका टैलेंट है। मामी जी अचार बहुत टाइप्स के बनाते हैं मुझे कह रहे थे कि बताना तो अभी मैं शूट कर रही हूँ और मामी जी बताएंगे कौन सा अचार बताओगे आप आज। पहला था तो मैं गल गल अचार दस दी गल गल संगत जैसी होती है हम थोड़ी हिंदी भी बोल लेते हैं मामी पंजाबी ऑन दो फिर गल गल जे ज्यादा खट्टा पसंद कर दो उसी टाइम बरीक बरीक कट लो ज्यादा मोटी नी एक गल गल दे कोई 15-20 पीस कर लो छोटे खान वे तोड़ने ना पवे एक बुरकी पीस च रह जाए जे खट्टा पसंद कर दे पानी नहीं कढ़ना लून ला के जे घट खट्टा पसंद कर दे एक दिन लून ला के रख दो लून ला के डब्बे च पा दो बंद कर दो दिन च दो तीन बार ओनू पलटाओ दूसरी सवेर प्लास्टिक दी टोकरी दे विच ओनू पा दो सारा पानी निचड़ जूगा ओहदा उस तो बाद फिर थाल च पाओ थाल च पा के जीरा सौंफ कलौंजी ते जे तेल पसंद कर दे तो पा लो ते एदा ही मिक्स करके फिर पा दो लून पहला ही पूरा पा दो ओहदे विच रच के ओहदी खटाई सारा कढ दो जे अगर लून तुसी भी खट्टा मतलब चाल ज्यादा पसंद कर दो फिर उसी टाइम सारा मिक्स करके पा दो लून मिर्च अपना जीरा सौंफ कलौंजी उसी टाइम ट्राई करेंगे। चलिए अभी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये देखिए अभी मिल्क टाइम हो गया है और अभी सबने दूध पी लिया है और सोने की तैयारी हो रही है। मामी जी हमारे पास दो दिन के आए हुए हैं आज हम गए थे कहीं थोड़ा काम था सो बस आज का दिन रहेंगे अब रात हो गई है दिन क्या दिन तो स्पेंड कर लिया है अभी रात है सो कल नेक्स्ट मॉर्निंग में जाएंगे। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया मामी जी की कंपनी और उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया उनको बहुत अच्छा लगा यूट्यूब पे आपके साथ अपने जो भी है शेयर करने में। सो ठीक है गाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में नए व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट एंड डू लाइक।
share, comment and subscribe also our channel. Bye bye.